We are doing chapter Russian Revolution. We are revising this chapter. And you have done revolt of 1905 causes and impact. You have also done First World War and its impact. Why Tsar became unpopular due to First World War. Next is Tsar kyun unpopular hua tha First World War ke karan. You know it very well. You know the reasons na why Tsar became unpopular due to First World War. Should I repeat it again? Wrong. Russo Japanese war to yahan pe aani nahi hai. Okay, I have to revise it again. Poor responses given by some students. Now listen carefully. First of all, the revolt of 1905 ke revolt ke causes aap bataoge. Poor condition of workers. No, I'm not going to explain it. Then you have to elaborate it. Poor condition of workers. Then socialism, spread of socialism. Then autocratic rule. Then Russo-Japanese war. Ye yahan pe aani hai 1905 ki baat aap 1914 tak ja rahe ho leke. Russo-Japanese war. To wo Russia ki prestige ke against tha kyunki Russia ek choti si country Japan se hara tha. नेक्स्ट इमीडिएट कॉज में आप बताओगे फादर गेपन वाला जो प्रोसेशन था वर्कर्स का किधर जा रहा था विंटर पैलेस. इज इट क्लियर कॉजेज आते हैं 1905 के इंपैक्ट स्ट्राइक इन होल रशिया. ज़ार हैड टू क्रिएट डूमा. डूमा किसको कहा गया पार्लियामेंट ऑफ रशिया. वेरी गुड. और उसके बाद ज़ार ने डूमा सस्पेंड की बिकॉज ही डिडंट वांट द रिडक्शन ऑफ हिज पावर. वेरी गुड. सबको आता ही अब प्रॉब्लम आई है फर्स्ट वर्ल्ड वार वाले टॉपिक में. वो आप रॉन्ग बोल रहे हो उसमें आप रूसो जापानीज वार लेके जा रहे हो गलत. फर्स्ट वर्ल्ड वार आपने बताना है स्टार्टेड इन 1914 एंडेड इन 1918. फिर आपने बताना है हेल्ड बिटवीन अलाइड एंड सेंट्रल पावर. आपका मैप का क्वेश्चन है ये. एक सेट को अलाइड पावर्स पूछ लेनी है एक को सेंट्रल पावर. मैप विल बी शेयर्ड इन द ग्रुप. ओके तो आपको एक सेट को अलाइड पावर्स एक को सेंट्रल पावर्स. अलाइड पावर्स पता होंगी तो लिखोगे ना. विच वर अलाइड पावर्स देन. फर्स्ट ऑफ ऑल यूके फ्रांस देन रशिया यूएसए. हमेशा यूके फ्रांस पहले नंबर पे लेके आओ क्योंकि इन्होंने पूरी वार लड़ी. यूके ने यूएसए ने पूरी वार नहीं लड़ी. रशिया ने पूरी फर्स्ट वर्ल्ड वार नहीं लड़ी. तो यूके यूएस यूके फ्रांस रशिया एंड यूएसए. सेंट्रल पावर्स में आप बता सकते हो जर्मनी तो आपको पता ही है बिकॉज यू हैव डन चैप्टर हिटलर. तो जर्मनी के ऊपर सारी वार इंडेमनिटी लगी थी पता है ना. जर्मनी ऑटोमन एम्पायर टर्की ठीक है. ये सारी कंट्रीज आप इसमें ले जाओगे सेंट्रल पावर में. नेक्स्ट इज इसके बाद आपका आ जाना है फर्स्ट वर्ल्ड वार हेल्ड इन 1914 स्टार्टेड इन 1914 एंड एंडेड इन 1918. Russia was not in condition to take part in this war because Russia was backward country and had no modern kya nahi the uske paas weapons. But Tsar participated in this war because he was forced by kisne force kiya tha use batana Zarina. He was forced by his wife Zarina. Zarina to good partner thi nahi. She was under the influence of Russian monk Rasputin. तो रास्पुतिन ने कहीं ना कहीं जरीना को बोला हुआ था अगर ज़ार पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार तो उसकी पावर जो है वो इंटरनेशनल लेवल तक पॉपुलर हो जाएगा. तो जरीना आस्क्ड ज़ार टू पार्टिसिपेट इन दिस वार. तो ज़ार ने पार्टिसिपेट किया दो ही वाज नॉट इन कंडीशन. तो अब अपने आप बताओ अब उसके पास तो सोल्जर ही नहीं थे कहां से लगता. विच मेथड ही फॉलोड. ही फॉलोड फोर्स्ड रिक्रूटमेंट. क्या फॉलो किया. वन मार्क क्वेश्चन में पूछते होते हैं व्हाट डू मीन बाय फोर्स्ड रिक्रूटमेंट. व्हेन पीजेंट्स एंड वर्कर्स वर आस्क्ड टू ज्वाइन वर फोर्स्ड टू ज्वाइन आर्मी. पीजेंट्स एंड वर्कर्स को जबरदस्ती किसमें भर्ती किया गया आर्मी. तो ये होती है फोर्स्ड रिक्रूटमेंट. ज़ार फॉलोड फोर्स्ड. ही फोर्स्ड द पीजेंट्स एंड वर्कर्स टू ज्वाइन रशियन आर्मी. अब पीजेंट्स एंड वर्कर्स को क्या लड़ना आएगा वो ट्रेंड थे क्या. नो. तो मैनी सोल्जर्स मैनी पीपल लॉस योर लाइफ. Many got injured and many got refugees. कितने refugees हो गए कितने injured हुए कितने तो मारे गए उसमें. And there was shortage of food grains in Russia because peasants कहाँ गए हुए थे
वेंट टू फाइट वॉर. इंडस्ट्रीज शट डाउन इन रशिया बिकॉज वर्कर्स वेंट टू फाइट वॉर. तो इंडस्ट्रीज भी बंद हो रही थी, फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज हो रही थी, थोड़े बहुत जो फूड ग्रेन्स ग्रो भी हो रहे थे, ज़ार सेंड दोस फूड ग्रेन्स टू फीड द आर्मी. तो वो बॉदर ही नहीं करता था लोगों को लेके, वो आर्मी को पहले फर्स्ट प्रेफरेंस देता था. तो दैट्स वाई फिर आप बोलोगे कि डेवलपमेंट इन रशिया स्टॉप्ड बिकॉज फॉरनर्स स्टॉप्ड इन्वेस्टिंग मनी इन रशिया. फॉरनर्स ने पैसा लगाना बंद कर दिया था रशिया में, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट भी स्टॉप हो चुकी थी. तो ड्यू टू दीज रीजंस ज़ार बिकेम अनपॉपुलर. ज़ार के लिए लोगों के मनों में और ज्यादा कह लो कि हेट्रेड बढ़ती चली गई. ठीक है, ज़ार बिकेम ड्यू टू फर्स्ट. तो आप रीजंस बताओगे तभी आप उसे अनपॉपुलर का बताओगे ना कि वो अनपॉपुलर हुआ. अब रीजंस आते हैं व्हाई बिकेम अनपॉपुलर. फर्स्ट रिक्रूटमेंट मेन, सेकेंड शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स, थर्ड इंडस्ट्रीज शट डाउन डेवलपमेंट स्टॉप. यही मेन रीजन बने ना. जिस कंट्री में ऐसा वाला रूलर होएगा जो ये सब कुछ के लिए रेस्पॉन्सिबल होएगा, तो वो कंट्री के लोग क्या अपने रूलर को कभी भी लाइक करेंगे? नेवर. इसके बाद आ जाती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद. अब आपको याद रखना है 1917, विच रिवोल्ट? फेब 1917 फेब रिवोल्ट. क्योंकि 1917 में टू रिवोल्ट्स हुए थे, फर्स्ट इन फेब एंड सेकंड इन अक्टूबर. तो अभी मैं बोल रही हूँ 1917 फेब रिवोल्ट. सम कॉजेज आर कॉमन, कुछ कॉजेज कॉमन हैं जो कि 1905 के साथ मैच हो रहे हैं. आप अपने आप बताओ विच कॉजेज वर कॉमन. वेरी गुड, क्योंकि वो तो अभी चली जा रहा है ऑटोक्रेटिक रूल, और वो तो अभी चल रहा है ना ऑटोक्रेटिक रूल. और कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1917 फेब, ब्लडी संडे 1905 के बाद लोग आके फिर प्रोटेस्ट करेंगे? नो. इतने 12 साल सो गए और 17 में आके फिर जाग गए? नो. आप कहोगे फर्स्ट इज ऑटोक्रेटिक रूल. हाँ, पुअर कंडीशन ऑफ वर्कर्स अभी भी पुअर ही थी. नेक्स्ट आप कहोगे सोशलिज्म, क्योंकि वो तो स्प्रेड हो ही जा रहा था. रशिया वाज द फर्स्ट कंट्री ना दैट बिकेम सोशलिस्ट. थ्री पॉइंट्स आप कॉमन लाओगे, कौन से? ऑटोक्रेटिक रूल, सेकंड सोशलिज्म, थर्ड पुअर कंडीशन ऑफ वर्कर्स, पुअर कंडीशन ऑफ, एंड फोर्थ कॉज आप बना दोगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. अब ये जो आप बोल रहे हो दैट इज करेक्ट कि नो डेवलपमेंट, बट वो इसमें लेके आओ. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आप कोई भी थ्री फोर पॉइंट्स लिख दो इसमें, थ्री फोर पॉइंट्स के ज़ार फॉलोड फर्स्ट रिक्रूटमेंट. सारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक्सप्लेन नहीं करनी, यू हैव टू राइट ओनली 3-4 पॉइंट्स के ज़ार क्यों अनपॉपुलर हो रहा था, क्यों ये कॉज बन गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्यों कॉज बनी रिवोल्ट का. पीपल वॉन्टेड टू क्विट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बट ज़ार ने तो पार्टिसिपेट ही करवा दिया था. पीपल वर नॉट इन द फेवर टू ज्वाइन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, लोग तो ज्वाइन ही नहीं करना चाहते थे, पर किसने ज्वाइन करवाया? ज़ार ने, क्योंकि उनके पास मॉडर्न वेपन्स नहीं थे. तो आप इस वे से बताओ ना कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी रीजन बनी, ज़ार के अगेंस्ट गई ना तभी कॉज बनी वो रिवोल्ट का. और इमीडिएट कॉज क्या बना? एक वुमेन वर्कर को फैक्ट्री में से निकाल दिया गया था, याद आ गया? वन वुमेन वर्कर वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम द फैक्ट्री एंड देयर वर स्ट्राइक इन 50 फैक्ट्रीज ऑफ रशिया इन द फेवर ऑफ द वुमेन वर्कर. तो वर्कर्स फ्रॉम देयर एरियाज केम आउट टू द एरियाज ऑफ द रशियन ऑफिशियल्स, उनके घरों के पास आए एंड सरेंडर्ड देयर बिल्डिंग्स. फिर आप कह सकते हो कि वर्कर्स क्रॉस नेवा रिवर, उन्होंने नेवा रिवर क्रॉस की और जहां पे ये लोग रहते थे ऑफिशियल्स ऑफ रशिया उनके तरफ आ गए एंड अटैक्ड देयर हाउसेस. तो ज़ार ने फिर किसको भेजा टू कंट्रोल द सिचुएशन? हरी अप टेल मी. ज़ार सेंड सोल्जर्स टू अटैक ऑन striking workers. This time some soldiers joined their hands with workers. Some soldiers, कुछ soldiers अब इस time किसके साथ हो गए? Joined their hands with striking workers. And next day they went to see Tsar at Petrograd, Soviet, where Duma met and advised Tsar to give up his throne. उसको बोला कि अपना throne छोड़ दे. Throne के spelling THR, 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 THR,
एडवाइज जार टू गिव अप हिज थ्रोन. जार एग्रीड गिव अप हिज थ्रोन विद दिस. कैसा रूल खत्म हो गया? ऑटोक्रेटिक रूल इन रशिया केम टू एन. मोनार्की खत्म हो गई एंड फर्स्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाज सेट अप इन रशिया अंडर क्रेंजकी. किसके अंडर आ गई? क्रेंजकी के अंडर. कैसी गवर्नमेंट सेटअप हुई? प्रोविंशियल गवर्नमेंट. प्रोविजनल नहीं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट. फर्स्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाज सेट अप इन रशिया अंडर क्रेंजकी के अंडर. कौन सी गवर्नमेंट आई? किसका रूल खत्म हुआ? ऑटोक्रेटिक रूल. अब आपसे मैं पूछूं, अगर एक क्वेश्चन ऐसे आए, हाउ ज़ारिस्ट ऑटोक्रेसी कोलैप्स्ड, बताओ. हाउ ज़ारिस्ट ऑटोक्रेसी कोलैप्स्ड. वेरी गुड, वेरी गुड. बिल्कुल सही आंसर पकड़ा है इसने कि दिस इज द मेन पॉइंट. बट इसको इलेबोरेट करने के लिए देर वर सो मेनी रीजंस ज़ारिस्ट ऑटोक्रेसी कोलैप्स्ड. अब आप बताओ ना कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्ट ही नहीं लेना चाहिए था, फिर भी पार्ट लिया. लोग उसके अगेंस्ट ही थे ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण. सेकंड आप बताओ कि वो आप बताओ कि उसके डेवलपमेंट नहीं हो रही थी रशिया में, है ना, पुअर कंडीशन थी वर्कर्स की, तो लोग उसके अगेंस्ट ही होते जा रहे थे. और फिर मेन रीजन बनी जो आप कह सकते हो कि एक वर्कर्स के ऊपर, उसने वर्कर्स के ऊपर अटैक करवाए. ही सेंट सोल्जर्स टू अटैक ऑन वर्कर्स व्हेन दे प्रोटेस्टेड एंड दिस टाइम सम सोल्जर्स ज्वाइन देयर हैंड्स विद वर्कर्स. फिर वो बताओ पेट्रोग्राड सोवियत वाला. फिर बताओ एडवाइस ज़ार टू गिव अप हिज थ्रोन. ज़ार गिव अप हिज थ्रोन विद दिस ज़ारिस्ट ऑटोक्रेसी कोलैप्स्ड. अभी आ जाएगा क्वेश्चन, हाउ ज़ारिस्ट ऑटोक्रेसी कोलैप्स्ड. उधर रिच पीपल रहते थे रिवर नेवा को क्रॉस. हाँ एडवाइस फोर्स नहीं, एडवाइस उसको पता चल गया था कि सिचुएशन इज नॉट अंडर हिज कंट्रोल. नाउ लिसन, लिसन अगेन. स्ट्राइकिंग वर्कर्स के साथ हैंड ज्वाइन किन्होंने किए? फ्यू सोल्जर्स. नेक्स्ट डे सोल्जर्स एंड स्ट्राइकिंग वर्कर्स वेंट टू सी ज़ार एट पेट्रोग्राड सोवियत वेयर डूमा मेट एडवाइस ज़ार टू गिव अप हिज. ज़ार एग्रीड गिव अप हिज थ्रोन विद दिस ज़ारिस्ट ऑटोक्रेसी कोलैप्स्ड. अब एक मिनट, अगर आपको ऐसा वाला क्वेश्चन आता है तो ये बच्चा अगर एक मिनट में, योर नेम इज दिव्या, दिव्या अगर एक मिनट में आंसर पहचान सकती है कि इसमें ये लिखना है तो वाई नोट अदर्स. सारे एक जैसे हो ना, तो आप एक मिनट आप थोड़ा सा सोचो कि इस क्वेश्चन में लिखना क्या, आप कर लोगे. अगर आए क्वेश्चन वाई ज़ारिस्ट ऑटोक्रेसी कोलैप्स्ड और बच्चा लिखे रूसो जापानीज वार, गलत. वो 1905 की बात है, ये 1917 फेब की बात है, ठीक है ना. तो नेक्स्ट इज, अब फर्स्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट सेट अप इन रशिया अंडर क्रेंजकी. अब क्वेश्चन इज क्रेंजकी की गवर्नमेंट फेल हुई, व्हाई? ऐसा क्या रीजन हुआ कि क्रेंजकी आते ही, अभी आया रात ही, अनपॉपुलर, ऐसा उसने क्या किया? मींस उसने कुछ ना कुछ तो गलत किया ही होगा. वैसे तो वो लीडर था मेंशविक्स का, ही वाज लीडर इन दोज डेज ऑफ मेंशविक्स. वो मेंशविक्स का लीडर था एंड सपोर्टर ऑफ ज़ार था, ज़ार का सपोर्टर था क्रेंजकी, ठीक है. एंड ही वाज लीडर ऑफ मेंशविक्स. पहले तो ये बताओ, फिर बताओ कि क्रेंजकी ने सबसे मेन डिमांड उन दिनों लोगों की क्या थी, बताना. वेरी गुड. वर्ल्ड वार से बाहर आना चाहते थे, वांटेड टू क्विट द फर्स्ट. क्रेंजकी डिडंट टुक पीपल ऑफ रशिया आउट ऑफ द फर्स्ट. उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लोगों को बाहर नहीं किया. प्रिंसिपल मामूस राउंड. क्रेंजकी डिडंट टुक रशी पीपल आउट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बाहर नहीं किया. नेक्स्ट, ही डिडंट गिव राइट्स टू नॉन रशियंस. नो फॉर नॉन रशियंस रशिया बिकेम प्रिजन ऑफ नेशन. उनके लिए रशिया क्या बन के रह गया था? प्रिजन ऑफ नेशन, बिकॉज दे वर नॉट अलाउड टू फॉलो देयर कल्चर एंड टू स्पीक देयर लैंग्वेज. तो क्रेंजकी गवर्नमेंट फेल्ड. एंड ऑन द अदर हैंड लेनिन वॉज बिकमिंग पॉपुलर. हु वॉज बिकमिंग पॉपुलर? लेनिन, बिकॉज ऑफ हिज अप्रैल थीसिस. ही शूड अप्रैल थीसिस. And in those days when Kerensky came to power, Lenin was exiled to Switzerland. Lenin, Feb में Switzerland Lenin को भेजा गया था in Feb.
दिस रिवोल्ट अकर्ड इन 1917 फेब एंड देन लेनिन वाज एक्साइल टू स्विट्जरलैंड. क्रेंजकी वाज लीडर ऑफ मेंशेविक्स वेयर एज व्लादिमीर लेनिन. फुल नेम व्लादिमीर लेनिन. व्लादिमीर He was leader of Bolsheviks, whereas Kerensky was leader of Mensheviks. तो दोनों opposite थे एक दूसरे के. वो Mensheviks का leader था और वो Bolsheviks का leader था. तो opposite थे दोनों. तो Lenin उन दिनों किधर था? Switzerland. He was exiled to Switzerland. He came to Russia in which month? April. Very good. He came to Russia in April month. और आते ही ऐसा क्या किया उसने? He should. Very good. He issued Lenin thesis, April thesis. अब पेपर में वन मार्क में पूछते होते हैं, who issued April thesis? या फिर in which month Lenin issued? दोनों तरह से आ सकता है, ठीक है? In which month Lenin issued thesis? April. Lenin आया रशिया and he issued thesis. तो popularity of Lenin became the main reason of the unpopularity of Kerensky. Is it clear? अब मैंने क्वेश्चन कहा था व्हाई क्रेंस्कीज कमेंट फेल. तो ये क्वेश्चन आपको टिप्स भी होना चाहिए. व्हाई क्रेंस्कीज कमेंट फेल? फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्रेंस्की डिडंट टुक रशिया आउट ऑफ द फर्स्ट. ही डिडंट गिव राइट्स टू सच एज बुद्धिस्ट जदीदिस जो मुस्लिम थे. फॉर देम रशिया बिकेम प्रिजन ऑफ नेशन. दे वर नॉट अलाउड टू फॉलो देयर कल्चर स्पीक देयर लैंग्वेज. ऑन द अदर हैंड हु वाज बिकमिंग पॉपुलर? या फिर आप ऐसे कह सकते हो पॉपुलैरिटी ऑफ लेनिन बिकेम द मेन रीजन फॉर द अनपॉपुलैरिटी ऑफ क्रेंस्की. सो क्रेंस्की गवर्नमेंट फेल. क्रेंस्की की गवर्नमेंट फेल हो गई. अब लेनिन. लेनिन ने आते ही क्या क्या किया? पेपर में क्वेश्चन आता होता है अक्टूबर चेंजेस. पहले तो दोनों में क्लैशेस होंगे. अभी लेनिन पावर में नहीं आया, अभी क्रेंस्की है. सिर्फ वो अनपॉपुलर हुआ है बट वो अभी गया नहीं, वो थ्रोन पे ही है. लेनिन ही है लीडर, सॉरी क्रेंस्की. क्रेंस्की अभी पावर में है, लेनिन पॉपुलर हो रहा है. इज इट क्लियर? इतना पता चल गया. अब क्लैशेस हुए और ये क्लैशेस बनेंगे कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ अक्टूबर. अक्टूबर 1917. अब ये आपके कॉजेज बन जाएंगे अक्टूबर 17 रिवोल्ट. बाय चांस पेपर में अक्टूबर 17 वाला रिवोल्ट आए तो आपने लिखना है देयर वर क्लैशेस बिटवीन. किस किस में क्लैशेस हुए? आपने क्रेंस्की लेनिन नहीं लिखना. नो आपने मेंशेविक्स भी नहीं लिखना. आपने लिखना देयर वर क्लैशेस बिटवीन प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड बोल्शेविक्स. वो तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी. देयर वर क्लैशेस बिटवीन प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड बोल्शेविक्स. आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्योंकि पावर में थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अटैक्ड द टू न्यूज़पेपर बिल्डिंग्स ऑफ बोल्शेविक्स. बोल्शेविक्स मेड इन्होंने क्या बनाई थी? फॉर्म्ड रेवोल्यूशनरी पार्टी. दे फॉर्म्ड रेवोल्यूशनरी पार्टी अंडर लियोन ट्रॉटस्की. किसके अंडर बनी थी? लियोन ट्रॉटस्की के अंडर क्या बनाई? रेवोल्यूशनरी पार्टी. एंड दे डिसाइडेड टू अटैक विंटर पैलेस बट डेट वाज केप्ट सीक्रेट. उन्होंने कहा हम अटैक करेंगे बट डेट नहीं डिक्लेयर करेंगे. तो दे केप्ट द डेट सीक्रेट. बाद में किया भी अटैक, डिस्ट्रॉयड द विंटर पैलेस. तो उधर से लेनिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट और इनके झगड़े बढ़ते गए. देयर वाज वायलेंस. बोल्शेविक्स एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट में क्लैशेस बढ़ते चले जा रहे थे. तो देयर वाज वायलेंस. वायलेंस हो गई. इन्होंने बोल्शेविक्स अटैक द विंटर पैलेस एंड डिस्ट्रॉयड इट बट सिचुएशन वाज कंट्रोल्ड बाय वायलेंस वाज कंट्रोल्ड बाय. सारा किसने हैंडल किया? लेनिन. तो क्रेंस्की का रूल केम टू एन एंड एंड लेनिन बिकेम द लीडर. ही वाज बोल्शेविक लीडर आल्सो. ही बिकेम द रशियन लीडर. ही केम टू पावर. तो पावर ऑफ रशिया जो थी दैट किसके हाथ में चली गई? बोल्शेविक्स के हाथ में आप चली गई. लेनिन बिकेम द लीडर. व्लादिमीर लेनिन ही बिकेम द लीडर ऑफ रशिया. अब लेनिन ने आते ही क्या किया? चेंजेस. अब यहाँ पे फोर क्वेश्चन, आंसर इज सेम. फर्स्ट इज अक्टूबर चेंजेस. क्या क्या? अक्टूबर चेंजेस इंट्रोड्यूस बाय लेनिन. नेक्स्ट
अगर आपको पूछा जाए राइट द इम्पैक्ट ऑफ द अक्टूबर रिवोल्ट 1917, कैन यू राइट? सेम है, ये इम्पैक्ट ही तो है, चेंजेस जो हुए. इम्पैक्ट ऑफ अक्टूबर रिवोल्ट 1917, सेम. रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय लेनिन, तब भी यही है. चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय लेनिन, बच्चा ये ना तब वहां पे सोचा कि मैं तो चेंजेस पढ़ के आया, मैं तो रिफॉर्म्स पढ़ के ही नहीं आया. रिफॉर्म्स चेंजेस एक ही बात है ना, उसने जो रिफॉर्म्स, या फिर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय बोल्शेविक्स, आंसर इज सेम. चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय बोल्शेविक्स, आंसर इज, तो ये सारे सेम ही है. समझ आ रही है? चाहे बोल्शेविक्स है चाहे लेनिन है, एक ही बात है ना. तो चेंजेस एंड रिफॉर्म्स भी एक ही बात है. इम्पैक्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 अक्टूबर, सेम. ये इम्पैक्ट ही है कि अक्टूबर में जो रिवोल्ट हुआ उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, रशिया में रिफॉर्म्स हो गए. अब क्या क्या रिफॉर्म्स हुए, सबसे पहले तो एक मिनट, मैंने बोला था अप्रैल थीसिस, लेनिन क्यों पॉपुलर हुआ, ये भी क्वेश्चन आया था होता है, व्हाई लेनिन बिकेम पॉपुलर, क्योंकि उसने थीसिस इंट्रोड्यूस किए थे. कौन से मंथ में इंट्रोड्यूस किए, अप्रैल. तो उसने ऐसा क्या किया कि लोग उसके फॉलोअर हो गए. ही मेड थ्री प्रोमिसेस. कौन सी थ्री प्रोमिसेस थी, वही थ्री लिखनी है, बच्चे अपनी तरफ से नई नई ऐड कर देते हैं. फर्स्ट इज ही टू ही सेड दैट इफ ही वुड कम टू पावर ही वुड टू क्रश आउट ऑफ द फर्स्ट. इतनी बड़ी बात बोल दी थी कि अगर आप मुझे पावर में लाओगे तो मैं रशिया को किससे बाहर कर दूंगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. इफ ही वुड कम टू पावर ही वुड टू क्रश आउट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. और क्या उसने प्रॉमिस किया, ही वुड नेशनलाइज द बैंक्स, ही वुड रीडिस्ट्रीब्यूट लैंड अमंग पुअर. उसने क्या कहा, किसमें लैंड बांट देगा. तो इतने अच्छे प्रॉमिसेस उसने किए, दैट्स व्हाई पीपल बिकेम हिज फॉलोअर्स. तो इसीलिए क्रेंस्की फेल हुआ था, क्योंकि लेनिन के प्रोमिसेस लोगों को अच्छे लगे. अब अक्टूबर चेंजेस में पहले थ्री पॉइंट्स तो आपको आते ही हैं, इन्हीं को लिखो कि सबसे पहले आप अक्टूबर चेंजेस में बताओ, लेनिन टुक रशिया आउट ऑफ द फर्स्ट. अब वुड नहीं आएगा, पता है ना, वो तो तब प्रॉमिस कर रहा है, ही वुड टुक रशिया आउट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, निकालेगा. अब तो निकाल लिया, ही टुक रशिया आउट ऑफ द फर्स्ट, ही नेशनलाइज द banks, he distributed land among, land became the property of the state government, Russia became one party state, that is Bolshevik party. Russia में सिर्फ एक पार्टी रह गई, and rest of the parties were declared illegal by Lenin. Lenin ने कहा कोई भी और पार्टी नहीं बनेगी, सिर्फ एक पार्टी स्टेट बन के रह गया Russia, and that is Bolshevik party. तो इस वजह से Lenin ने reforms introduce किए in Russia. तो ये हो गए आपके इम्पैक्ट ऑफ अक्टूबर रेवोल्यूशन या फिर अक्टूबर चेंजेस. अब लेनिन की डेथ हुई, बीच में पहले तो सिविल वार आई. सिविल वार क्यों हुई, जब लैंड डिस्ट्रीब्यूट हुई ना रिच पीपल की, पुअर में लैंड बट गई, तो क्या वो चुप बैठेंगे रिच पीपल, वो प्रोटेस्ट करेंगे ना. अपने आप सोचो, पुअर को लैंड मिल रही है, क्या रिच जिनके हाथों से लैंड जा रही है वो चुप बैठेंगे, नहीं. तो रशिया में अपनी कंट्री में उनके झगड़े हो गए, तो जिसको कि हम कहते हैं सिविल वार. व्हाट डू मीन बाय सिविल वार, व्हेन देयर इज वार बिटवीन द पीपल ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ऑफ द सेम, दैट इज नोन एज सिविल वार. रशिया में सिविल वार हुई किस किस में, बोल्शेविक्स एंड नॉन बोल्शेविक्स. अब यहाँ पे नॉन बोल्शेविक्स लिखना है, बोल्शेविक्स एंड बोल्शेविक्स की सपोर्ट किन्होंने की, किनको इन्होंने राइट दिए थे, इनको इन्होंने किसको राइट्स दिए थे, नॉन रशियंस ने हेल्प की, गुड.